हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आई हूं डोसा के साथ सर्व करने वाले कोकोनट चटनी और टमाटर चटनी के साथ। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले बनाएंगे टमाटर की चटनी, जो रेड चटनी है, तो देख लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक बड़ा प्याज कटा हुआ और दो बड़ा टमाटर। जितना प्याज लेना है उससे डबल हम टमाटर लेंगे। और यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून उड़द की दाल, 1 टीस्पून चने की दाल, 6 से 7 कलियां लहसुन की, 2 से 3 लाल मिर्च, 1 टीस्पून इमली का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, आधा इंच टुकड़ा अदरक का। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए कढ़ाई हमारी गरम है, अब हम तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो जाए फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। पहले उड़द दाल डाल देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे चने की दाल और हम इसको चला के हल्का सा भून लेंगे 5 से 6 सेकंड के लिए। फिर हम डालेंगे इसमें लहसुन, इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसका कच्चापन थोड़ा सा चला जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। अदरक के बाद हम डालेंगे लाल मिर्च। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। फिर अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज और इसको अच्छे से चलाते हुए हम थोड़े सौते कर लेंगे। जब हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब हम आगे की चीज़ें डालेंगे। देखिए सौते हो गया है। अब हम डालेंगे टमाटर। इसके बाद डालेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, और नमक डाल के हम अच्छे से इसको मिला लेंगे। इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब देखिए हमारा ये तैयार है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हमें अच्छे से ठंडा करके फिर ग्राइंड करना है। देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई है। चलिए हमारी लाल वाली चटनी रेडी है टमाटर की, तो इसको तड़का लगा लेते हैं। यहाँ हमने लिया है राई 1 टीस्पून, 2 सूखा लाल मिर्च और यहाँ कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने। तो चलिए तड़का लगाते हैं। देखिए हमारा तड़का रेडी हो गया है। अब चटनी में मिक्स कर लेते हैं और आइए अब हम नारियल की चटनी बनाते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1 टेबलस्पून भुना हुआ चना, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 टीस्पून हमने इमली का पल्प लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और नमक स्वाद अनुसार। और हम इसके लिए तड़का लगाएंगे, उसके लिए हमने लिया है 1 टीस्पून राई का दाना, 1 टीस्पून उड़द दाल और 2 से 3 आप सूखी मिर्च ले सकते हैं और कड़ी पत्ता। तो आइए चलिए बनाते हैं।
हमारी नारियल की चटनी पीस के तैयार है। अब आइए अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। देखिए हमारा तड़का रेडी है। अब हम इसमें मिला देते हैं नारियल की चटनी में और इसे सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डोसा के साथ बनने वाली दोनों चटनी बनके तैयार हैं। यह है नारियल की चटनी और ये टमाटर की चटनी। ये बहुत ही आसान है बनाना और आप इसे जब भी डोसा बनाएं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और अगर आपने डोसा वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, आप उसे जरूर जाकर देखें और उसे जरूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।